जिस प्रकार देश में ऐसी अप्रिय घटना हो रही है उस पर अंकुश लगाना, उन जिसके साथ ये घटनाएं उनको न्याय दिलाना तो दूर की बात। इन बीजेपी सरकार ने मतलब ऐसे बेतुके के बयान मतलब दे देकर जिनके साथ एक घटना हुई है उनके मतलब दिल को टॉस को चाहिए। हम आज अनिश्चय परिवार जो डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता जी ने जो ये बयान दिया है मतलब कठुआ कांड पे भाई एक सामान्य घटना है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ऐसे मतलब ऐसे डिप्टी सीएम को नरेंद्र मोदी जी को नहीं बिठाना चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे आदमियों के लिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। हम अनिश्चय परिवार ऐसी अप्रिय घटनाओं के हमेशा इनका विरोध करते हैं। और ये जो भाजपा सरकार है इनके काम मतलब ऐसी मतलब देश का माहौल बिगाड़ रखा है, इनके काम करना तो दूर की बात, इन्होंने मतलब बेतुके बयान करा के पूरा देश का माहौल बिगाड़ रखा है। नाम बताइए। अशोक पुनिया का अध्यक्ष रास्ता में चले अनिश्चय हाँ भाई विनोद जी विरोध कर जताया क्या पूरा मामला? देखिए जिस तरीके से भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे से सत्ता में आई और आज कठुआ में एक बच्ची के साथ जिस प्रकार की एक घटना होती है, उस बच्ची का सरेआम रेप किया जाता है, ऐसे में वहाँ के डिप्टी सीएम को सांत्वना और दोषियों को सजा देने के बजाय वो एक घटना को सामान्य घटना बताते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज पूरा एनएसवाई परिवार राजस्थान विश्व विद्यालय गेट पे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मैं डिप्टी सीएम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि भारत की सभी बेटियाँ समान हैं, अगर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अगर इस जगह आपके परिवार का कोई सदस्य होता तो आप क्या इसी प्रकार का बयान देते? मैं माननीय डिप्टी महोदय से डिप्टी सीएम से निवेदन करता हूँ कि आप पूरे देश से माफ़ी मांगें, क्योंकि इस तरीके के बेतुके बयान हैं जो पूरे युवाओं को पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ते हैं, ये बहुत घोर निंदनीय है। विनोद जाखड़ छात्र नेता राजस्थान से। सरकार से जो डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का जो बयान आ रहा है निंदनीय बयान है। एक तरफ जहाँ ये एस संवेदनशील जो इनका बयान आया है भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है, एक तरफ जहाँ पूरा देश न्याय की गुहार के लिए संघर्ष में चलता है उसके बाद में जो कविंदर गुप्ता का जो बयान आया है वो बहुत ही बेतुका बयान है। आज पूरे एनएसवाई में पूरे भारत देश में इस मांग को लेकर सड़कों में है कविंदर गुप्ता को मुख्य सरकार महबूबा मुख्य सरकार के द्वारा बर्खास्त किया जाए। लेकिन यादव राजस्थान।